जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर खान, नॉन एज आमिर हर वर्जीनिया, सम पीपल आल्सो कॉल मी तकी लाहौरी, मुफ्ती तकी लाहौरी। सो एनीवे, तो आज मैं आपको दूंगा रिव्यू अपनी गाड़ी का। ये है मेरी पोर्श कायन 2019। सो आई बॉट इट लाइक एंड ऑफ 2019, आई थिंक आई बॉट इट इन नवंबर डिसंबर 19। तो मेरे पास ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ, दो साल से है। तो आई थिंक आई एम गोना गिव यू अ रिव्यू कि गाड़ी कैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अपनी गाड़ी के बारे में एक थोड़ा सा वीलॉग बना के दिखाएं, और बेगम ने बोला कि आप वीलॉग करें गाड़ी के बारे में बताएं, ताकि कुछ उनकी फ्रेंड्स जाना चाह रही हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इसका फ्रंट जो है, ये आपको पता है पोर्श का काफ़ी अरसे से सेम ही है, दे डोंट वांट टू चेंज इट, लाइटें चेंज करते रहते हैं। तो दिस हैज़ मोर पावरफुल लाइट्स, LED लाइट्स, व्हाट नॉट, आगे भी काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं इसकी। इंजन बहुत पावरफुल है, आई थिंक इस 355 हॉर्स पावर टर्बो है ये ऑब्वियसली। तो लेट मी शो यू उसमें क्या फीचर्स हैं। और उसमें हैं अलॉय रिम्स हैं, 18 इंच और 19 इंच व्हील्स हैं इसमें आते हैं, और फोर डोर है ऑब्वियसली। और आपको पता है पोर्श जो है, देर गोइंग इन बिग लॉस इन लाइक 2010-12, देन दे केम अप विद द आइडिया फॉर SUV, एंड सिंस देन SUV ने प्रीटी मच कंपनी सेव की है, बिकॉज SUV इज़ देयर हॉटेस्ट सेलिंग फॉर वट एवर रीज़न, ऑब्वियसली बिकॉज इज अ स्पोर्ट्स कार, ड्राइव फील स्पोर्ट्स है, लेकिन यू गेट मोर स्पेस, and obviously need for SUVs has been increased dramatically in America and all the world as well, this ki wajah se it has become very famous car. I dikhata piche se kya change hai, big change hai piche se is gaadi mein 2019 se, jo ki iska aata hai light, unhone puri cover kar di hui hai, instead of giving two small lights they covered the whole thing, twin exhaust aata hai piche, wiper aata hai, isme panoramic roof hai upar all the way which covers the whole roof as well. और अंदर से अंदर जाके बताते हैं अंदर क्या चीज़ें गाड़ी के। इसकी एक बड़ी अच्छी फीचर है कि इफ़ यू हैव कीज़ इन योर हैंड यू डोंट नीड कीज़, जैसे आप पास आते हैं गाड़ी अनलॉक हो जाती है, और विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। ट्रंक की बड़ी अच्छी फीचर है, अगर आपके पास की चाबी आपकी जेब में है, यू हैव ग्रोसरीज इन योर हैंड, यू कम अप एंड यू जस्ट गिव अ स्मॉल लेग क्लोज टू इट एंड द ट्रंक विल ओपन। तो बड़ी अच्छी फीचर है, यू डू लाइक दिस, सही, तो ट्रंक ओपन हो जाती है, और ट्रंक ओपन हो जाती है तो यू हैव समथिंग इन योर हैंड, यू पुट इट इनसाइड, इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, और डबल लॉक है। अगर आपने सामान लेके अंदर घर के जाना है तो यू प्रेस इट टू लॉक द कार, अगर आपने गाड़ी में जाना है तो यू प्रेस दिस वन, द कार इज़ नॉट लॉक्ड ऑब्वियसली, लेकिन ये कि इस द ट्रंक इज़ डाउन, सो लेट्स गो इनसाइड। तो जैसे आप आते हो अंदर, यू गेट अ वेरी लग्जरी एक्सपेंसिव लुक ऑफ द डोर्स, इसमें सीट आपकी मेमरीज आती हैं, 3 मेमरीज आती हैं, प्लस ऑब्वियसली और पावर्स फीचर्स आती हैं, और इसमें ये अपग्रेड्स हैं, कुछ 14-way सीट एडजस्टमेंट है इसके गाड़ी के अंदर, अपग्रेडेड लेदर सीट्स हैं। और आप गाड़ी को और देखिए, अंदर से बताता हूँ, इसके अंदर आता है आपका लेन डिपार्चर, मीनिंग यू गेट अ वार्निंग, गाड़ी को पास आती है तो यू गेट अ वार्निंग कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट एज वेल, तो वो फीचर इसमें मैंने ऐड किया हुआ गाड़ी के अंदर। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर, आए दिखाता हूँ आपको मैं। ओके, सो जैसे आप अंदर आते हो, तो सिंस आई हैव माय की, माय वाइफ हैज़ हर की, तो जैसे ही आप अंदर आता हो तो यू नो दिस की नोज, अगर मेरे पास अपनी गाड़ी की चाबी है तो दिस की नोज माय एडजस्टमेंट्स, इट विल एडजस्ट द मिरर्स, इट विल एडजस्ट माय सीट, इट विल एडजस्ट द स्टीयरिंग, इट विल एडजस्ट ऑल द मेमोरी थिंग्स व्हिच आई हैव ऑन इट, एंड देन द मोमेंट आई पुट द की इन द कार आई स्टार्ट इट, और ये मुझे मैसेज देगी गाड़ी, इट्स हेलो आमिर, सो इट्स हेलो आमिर खान, सो कार नोज कि दिस इज़ आमिर खान ड्राइविंग मी टुडे, इज़ नॉट राबिया, सो इज़ गोना से मी हेलो, और सारे फीचर्स जो मैंने एडजस्ट किए हुए हैं अपने, रेडियो सेटिंग जो सेटिंग की हुई है, इज़ गोना गिव मी ऑल दो सेटिंग्स। सो इट हैज़ ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक, ऑब्वियसली डैश है पूरा इसका, और इसका इलेक्ट्रॉनिक ही यहाँ पर क्लस्टर भी है, विच इज़ प्रीटी नीट एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये पोर्श बड़े अच्छे से पसंद थी लाइक इन द प्रीवियस ईयर एज वेल, लेकिन आई नेवर बॉट इट क्योंकि उसमें बहुत सारे यहाँ बटन्स थे, तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट अपग्रेड, सो दे अपग्रेड दैट इन 2019 एंड देन आई रियलाइज इट, व्हेन दे रियलाइज दैट दे चेंज्ड इट टू द व्हाट आई वॉज थिंकिंग, सो आई बॉट इट, सो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट इट। तो इसमें एप्पल कारप्ले आता है, सी वन द मोमेंट आई कम इन द कार इट टेक्स माई फोन एज वेल, सो इट गिव्स मी ऑल द फीचर्स विच माई फोन है, सो ऑल माई मैप्स, ऑल माई इफ आई वॉन्ट टू लिसन टू एनी थिंग एवरी थिंग, इट मैं कुरान तफसीर बहुत सुनता हूँ ऑब्वियसली, सो टुक्स माई तफसीर, इट रिमेंबर्स मैं कहाँ तक लास्ट टाइम सुनी हुई, इज गोना प्ले फ्रॉम देयर, और जो भी सुनता हूँ मैं ऑब्वियसली तफसीर सुनता हूँ कुरान बहुत ज़्यादा, और कुरान की तलावत बहुत सुनता हूँ गाड़ी में, दैट्स मेनली अ हेयर।
तो और बाकी जो बुक्स में पढ़ता हूँ वो भी इसमें आती है. इफ द सिस्टम द ऐप जो है बुक रीड भी करती है मुझे, तो व्हाइल आई एम ड्राइविंग आई कैन लिसन टू द बुक्स जो सुनता हूँ. तो दैट्स अ वेरी गुड फीचर. इसमें पूरी जूम मीटिंग है और मैं जाना है कि ऑन द रोड आई कैन गो टू जूम मीटिंग एज वेल. आई कैन टॉक टू इट, टॉक टू माई क्लाइंट्स बट नॉट. व्हाट्सएप कॉल्स ले सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ इसके अंदर. ऑब्वियसली ऑल द थिंग्स विच यू कैन डू विद फोन. तो ये इसमें एप्पल कारप्ले है. उसके अलावा बहुत सारी और फीचर्स हैं लेकिन मैं कुछ चंद फीचर्स कवर करूंगा. ऑब्वियसली आई डोंट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग एंड बोरिंग. तो इसमें जो बेस्ट फीचर मुझे लगती है इसमें है 360 कैमरा. द मोमेंट आई कम इन द कार, अगर मैं करूँ इसका रिवर्स करूँ तो आप देखेंगे कि गाड़ी कैसे मुझे ऑल द वे अराउंड दिखा रही है. इट हैज़ कैमराज ऑल अराउंड इट एंड दोज कैमराज देन गेट स्टिच. सो इट लुक्स लाइक इज अ सैटेलाइट पिक्चर बट इट्स अ स्टिच कैमरा फीचर ऑल कॉल 360 एंगल्स. So it shows all around the car, which is very good in very dead traffic or if I'm parking somewhere. So I know exactly the location of my car. Or the reverse camera, if I turn a wheel, it tells me which way I'm going. Same thing, a forward camera bhi hai. Agar main gaadi aage leke jana chahunga, to dekhenge kaise camera batata hai mujhe where I'm going. So it shows me the direction ki main wheel kitna move kiya hua hai. If I'm going on the top of the grass or staying on the street. So you know, it's pretty helpful feature. और इसमें ये व्यूज़ जो है आप चेंज कर सकते हैं. पार्किंग व्यू है, आई कैन डू द पैनोरामिक व्यू टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ सराउंडिंग्स एंड आई कैन गेट साइड व्यूज के कैसे इफ आई एम नॉट क्लोज टू अ कर्ब लाइन और एनीथिंग लाइक दैट. सो इट गिव्स मी ऑल द फीचर्स. इट हैज़ ऑल दिस पार्किंग फीचर्स एंड कैमराज ऑल्सो हैव द सेंसर्स. इफ आई एम क्लोज समथिंग द कार इज़ गोना सेंस दैट एंड मेक दैट बीप नॉइज. सो पुट द सीट बेल्ट ऑन सो वी कैन. बाकी इसमें चीज़ें हैं. Obviously, it has the dual temperature control, so the passenger has her settings and I have my setting. This car also has a very good feature called off-road. So if I click off-road, the car gives me option that I'm driving where I'm driving. I'm gravel, mein chala raha hun, mud, mein, sand, mein, rock. Mein. So which is very helpful in off-roading. Not that I do much in this car, but it has a good feature. Aur uske alawa, obviously, my phone feature, Apple CarPlay, takes all my contacts and all that. I am able to make calls without touching my phone, and then I can do a voice commands as well. I can just call the car to call whoever you want to, whatever number I have, the car will does itself. Uske alawa, it has a heating front seat. Dono seat heated hai. I also have the heated mirrors as well, which is a very good feature in this car. Jo ki kafi aur gaadiyon mein bhi aati hai. What else I want to talk about this car? The wheel, yes, the other feature is I have, it's called the heated steering wheel. So if I press this button here, it's going to tell me steering wheel heating switched on. So what it does is, it heats the steering wheel as well. Jo log rehte hain thandi jagahon par where the temperature is very, very cold, is very beneficial. Bada maza aata hai ki aap gaadi mein jab aate ho, heated steering on karte ho, to aapka steering wheel kafi acha cozy garam ho jata hai. It gives you good feel touch karne mein bhi. So you don't feel cold as well. So which is a very good feature. Uske alawa, gaadi mein bahut sare aur features hain. But I mean, these are the very features I want to talk about it. So its ride jo hai badi hi zabardast hai kyunki obviously it's a Porsche engine. To Porsche engine ka jo sound hai, which is very basically wo bada dasu kisam ka hai. To jiski wajah se main gaadi li thi kyunki you get the feel of a sports car. So I'll show kaisa so feel aata hai. The moment you hit the gas, you feel like this is like not a regular car, it's a sports car. This kind of sports mode hai. You go to the sports mode, you can do that. Also the Porsche has its apni Porsche ka clock bhi hai, which is looks pretty cool. Kafi purana ye system hai inka, lekin I love that and I got that feature as well in this car. Aur dekhenge isme shifters hand mein bhi hain. Agar if you want to do a sports mode and you want to shift manually, so this car gives you a feature. Like right now I am in second gear mein hu, so obviously I can have more power. And I can shift the gears from hand as well to get a better feel of the car. So which is pretty neat and a very good feature in the sports car, especially ye obviously SUV hai lekin it's a sports SUV, Porsche ki hai. So it gives you the feel of the same Porsche driving experience, which is pretty neat. Aur aap dekhenge kaisa iska sound hai. Pick obviously bahut zabardast hai kyunki this is like 355 horsepower and the weight is not too much on this car as well. So overall, I think it's a good car. I have enjoyed it for a year and a half, and I would recommend it. If you are looking for SUV, a sporty SUV, I think this is a way to go. Other features I have added in the back, because the kids are sitting, so I have those shades, sun shades, which is electronic as well, and which is pretty good feature. Now, you can control
the sunlight for children and all that. And the roof is pretty nice. It's all the way around, panoramic roof. और बहुत सारे फीचर्स हैं तो बट आई थिंक आई विल रैप इट अप हियर एंड होपफुली यू गाइस हैव बाय दिस वन एंड एंजॉय इट एज आई एम एंजॉयिंग इट सो सी यू गाइस टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़.